हेलो स्टूडेंट, मैं हूं नकुल सर और आप देख रहे हैं द इग्नोरेंस गुरु एंड ढाले। आज मेरा जो टॉपिक है जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो टॉपिक है स्कैसिटी कॉजेज इकोनॉमिक प्रॉब्लम हाउ, किस तरीके से। स्कैसिटी का मतलब होता है दुर्लभता या सीमितता। दुर्लभता या सीमितता जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, किस तरीके से करता है, इसके बारे में हम जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्लास 11th के लिए। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिक दोनों बुक में दिया हुआ है। देन आज चलिए अब पढ़ते हैं इसके बारे में, इसके आंसर के बारे में, क्या है इसका आंसर। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ अब तक पहुँचता रहे और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब हम पढ़ेंगे स्कैसिटी कॉजेज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इससे पहले हमें समझना पड़ेगा स्कैसिटी के मीनिंग को। क्या है स्कैसिटी? स्कैसिटी क्या है, यानी कि स्कैसिटी को हिंदी में कहते हैं सीमितता या फिर कहते हैं दुर्लभता। क्या है स्कैसिटी, सबसे पहले इसको जानते हैं। स्कैसिटी इंप्लाइज अ सिचुएशन व्हेन सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज इज लेस देन द डिमांड ऑफ रिसोर्सेज। एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी सिचुएशन है स्कैसिटी, जहां पर सप्लाई ऑफ रिसोर्सेस कम होता है डिमांड ऑफ रिसोर्सेस के तुलना में। यानी कि जितना भी रिसोर्सेस की डिमांड होती है मार्केट में, उसकी तुलना में उसकी सप्लाई कम होती है। मतलब क्या हुआ कि सप्लाई मतलब जरूरत की चीज़ें जितनी आपूर्ति है वो कितनी है, वो कम है जितनी उसकी मांग होती है। फॉर एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि किसी फैक्ट्री में, कोई एक फैक्ट्री में 100 मजदूर चाहिए, वहाँ पर 100 वर्कर्स चाहिए काम करने के लिए, जरूरी है पर डे। लेकिन उस टाइम केवल और केवल 80 वर्कर्स ही अवेलेबल हो पा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डिमांड जो है 100 वर्कर्स का है और सप्लाई जो है 80 वर्कर्स का है। ऐसे में जो 20 वर्कर्स की यहाँ पर जो कमी है, इसी को हम स्कैर्सिटी कहते हैं। और नॉर्मल चीज़ हम ये मानते हैं कि रिसोर्सेज हमेशा स्केयर होता है, मतलब सीमित होता है, वो अनलिमिटेड नहीं होता है। रिसोर्सेज आर ऑलवेज लिमिटेड। रिसोर्सेज आर लिमिटेड। और जब रिसोर्सेज ऑफ लिमिट होता है और लोगों की जो डिज़ायर होती है, लोगों की जो मांग होती है वो अनलिमिटेड होती है, ऐसे में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। चलिए ये तो हो गया स्कैसिटी के बारे में। अब हम पढ़ते हैं हमारा जो क्वेश्चन है कि स्कैसिटी किस तरीके से इकोनॉमिक प्रॉब्लम को क्रिएट करती है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि रिसोर्सेज आर ऑलवेज स्केयर इन रिलेशन टू आवर वांट्स। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि जो रिसोर्सेज होती है हमारी वांट्स की तुलना में हमेशा स्केयर होती है, मतलब कम होती है, सीमित होती है। और दूसरी बात यह है कि रिसोर्सेज हैव अल्टरनेट यूजेस। रिसोर्सेज के जो है बहुत सारे अल्टरनेट यूजेस होते हैं, यानी कि एक ही रिसोर्स के कई हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास ₹100 है, ₹100 है। अब ₹100 का यूज़ करना है तो ₹100 से आप क्या कर सकते हैं। मान लीजिए आपको ₹100 में सब्जियां खरीदनी है, आपको पोटैटोज लेनी है, तो ₹100 से आप पोटैटोज भी ले सकते हैं, आप टोमेटोज भी ले सकते हैं। तो प्रॉब्लम ये होती है जो ₹100 है इसका यूज़ हो रहा है, हम पोटैटोज भी खरीद सकते हैं, टोमेटोज भी खरीद सकते हैं। तो हम पोटैटो और टोमाटो किस तरीके से खरीदें, तो यहीं पर प्रॉब्लम की होती है। हम क्या पोटैटोज ले या टोमाटोज ले। मान लीजिए ₹100 का अगर पोटैटोज ले लिया तो टोमाटो ₹0 का आ गया, या फिर ₹80 का पोटैटोज ले लिया तो टोमाटो ₹20 का आएगा। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो है अनलिमिटेड नहीं केवल ₹100 है, ये जो ₹100 है ये क्या लिमिटेड है, मतलब स्केयर है। अब यहाँ पर स्केयर जब यह है और इसके ये जो क्या है अल्टरनेट यूजेस हो रहे हैं, अब कहते हैं तो यही चीज जब हमारे पास रिसोर्सेज जो है लिमिटेड होते हैं, स्केयर होते हैं और उसके अल्टरनेट यूजेस होते हैं, तो प्रॉब्लम यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से क्या जो अल्टरनेट यूज है उसमें से कौन सा बेटर ऑप्शन चूज करें। यहाँ पर यानी कि यहाँ पर जो है चूज करने की प्रॉब्लम आती है, यानी कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की बात होती है।
चॉइस, इसको कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब इसी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को बाद में हम कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यानी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम रिलेटेड टू प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। यहां पर जो है अल्टरनेट यूजेस को जो है क्या करना होता है, एलोकेशन करना होता है। एलोकेशन का मतलब क्या होता है कि हमें इसकी जगह किसी दूसरे का भी यूज किया जा सकता है। मान लीजिए एक वर्कर है, ए एक वर्कर है, और ए जब एक वर्कर है उसको काम करना है इस वर्कर को, और उसके पास फैक्ट्री है काम करने के लिए ए बी सी, यानी कि ये हुआ रिसोर्स। अब इस रिसोर्स का यूज यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, और यहाँ पर भी हो सकता है। देन ये जो वर्कर है वो कहाँ पर काम करेगा, इसका यूज कहाँ कौन सी फैक्ट्री में होना है, ये जो है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को ही इकोनॉमी में जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहा जाता है। अब हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम की डेफिनेशन को थोड़ा सही से समझते हैं क्या है। इट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और प्रॉब्लम ऑफ एलोकेटिंग स्केयर रिसोर्सेज टू अल्टरनेटिव यूजेस अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ द फैक्ट दैट रिसोर्सेज आर स्केयर्स एंड दीज हैव अल्टरनेट यूजेस। मतलब ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से होती है। हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं, स्केयर रिसोर्स होते हैं, उसके अल्टरनेटेड यूजेस होने के कारण कौन सी यूजेस कौन से बेटर ऑप्शन का यूज करें, यही हमारा जो है प्रॉब्लम होता है। इसी को जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि स्कैसिटी के कारण ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम का उत्पन्न होता है। अब मान लीजिए कोई भी इकोनॉमी है, कोई भी इकोनॉमी है, और किसी भी इकोनॉमी में कोई भी जो है नो स्कैसिटी है, मतलब वहां पर जो है अनलिमिटेड रिसोर्स है। और जब वहां पर अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, जब कोई भी स्कैसिटी नहीं होगी, देन वहां पर जो है कोई भी नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, वहां पर कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होगी। जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही नहीं होगी, देन उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी नहीं किया जाना है। जब प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं किया है किया जाना है, इसका मतलब ये हुआ डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी स्टॉप्ड, देन वहां पर इकोनॉमी का डेवलपमेंट होना बंद हो जाएगा। इसीलिए भी किसी भी अर्थव्यवस्था में जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का होना जरूरी है। अब इसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए ही इकोनॉमी का डेवलपमेंट होता है। अब इसीलिए यहाँ पर एक कहा जाता है रॉबिन्स नाम के एक जो है व्यक्ति थे, उन्होंने डेफिनेशन दिया हुआ है कि उन्होंने क्या क्या है, अ साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशन बिटवीन एंड्स एंड स्केयर मीन्स विच हैव अल्टरनेट यूजेस। कि मतलब ये एक साइंस है स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर का, जो कि बताता है कि हमारे जो स्केयर मीन्स है उसके जो है अल्टरनेट यूजेस किस तरीके से जो है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए किया जा सकता है। तो ये रहे आपके क्वेश्चन का आंसर। देखते रहिए मेरे चैनल को, जुड़े रहिए। थैंक यू।